लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। मीस दिखाई ना तहजीब, बाप ने भी बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लाड प्यार ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। बाबा के बारे में को, तुम एहसन की बेटी हो इसीलिए तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? किसके खिलाफ कर रहा? बहन के खिलाफ, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। वो कैसे? आपने जो करना था वो कर लिया, अब मुझे जो करना है मैं वो करूँ। खुदसर ड्रामे की आने वाली एक साथ में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब तो शाजमिदा का घर खराब कर देगी। रिदा का शोहर तो पहले उस पर शक करता है, अब उसे मारना पीटना शुरू कर देगा, यहाँ तक के बात डिवोर्स तक पहुँच जाएगी। और जब रिदा फिर से एक बार दायम के सामने आएगी तो दायम को पता चलेगा कि जो कुछ भी किया वो शाजमा ने किया था। वो शाजमा से मुंह मोड़ लेगा और आहिस्ता आहिस्ता हर एक को शाजमा की हकीकत मालूम हो जाएगी। और राहत निशान जिसकी आंखों पर शाजमा की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, शाजमा रोते हुए उसको सब कुछ बताती है और सच मान लेता है और चलाकियाँ करती फिरती है, वो भी उसे डिवोर्स दे देगा क्योंकि शाजमा डिज़र्व ही यही करती है। शाजमा ने सरीम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अमरीन का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ख़त्म कर दिया, अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की, दायम की ज़िंदगी को दाव पर लगाया और रिदा जैसी मासूम लड़की को बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी उसे ज़रा भर सुकून नहीं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमीगा कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे।